हेलो फ्रेंड्स, मैं वासुदेव, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर से। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या है तथा इसके क्यों सीखना जरूरी है। एक वेब पेज बनाने के लिए हमें कई प्रकार की लैंग्वेज की सहायता चाहिए होती है। उसमें से तीन लैंग्वेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी वेब पेज के निर्माण के लिए, जैसे कि HTML, उसी प्रकार CSS तथा जावास्क्रिप्ट जो हम अभी पढ़ेंगे। HTML जो होता है वह वेब पेज का कंटेंट जो होता है वह डिफाइन करता है कि जो कंटेंट है वो किस तरह से आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, वह डिसाइड कैसे किया जाता है HTML के द्वारा। CSS एक वेब पेज का लेआउट जो होता है वह डिसाइड करता है CSS, और उस वेब पेज का बिहेवियर जो होता है कि वो वेब पेज कितना डायनेमिक होगा या कितना स्टेटिक होगा, वो इवेंट ड्रिवन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड से मेरा आशय है इसको रन करने के लिए या इसको कैसे रन किया जाता है, ये बेसिकली जो वेब ब्राउजर होता है उसमें ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल जैसे हम HTML रन करते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, उसको ब्राउजर में खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट का कोड भी HTML के कोड के अंदर लिखा जाता है और वेब ब्राउजर में खोला जाता है, तब वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार से लिखी जाती है? एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड होता है जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं, उसी HTML के कोड के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से हमें क्या फायदा होगा? सबसे मेन एग्जाम्पल या सबसे मेन बात जो है वो ये है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से या जावास्क्रिप्ट का कोड इनबिल्ट करने से उस वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। इंटरेक्टिव से आशय है कि यूजर किसी भी बटन पर क्लिक करें तो हमें अलग तरह का मैसेज दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा, कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस पेज में कोई भी कंटेंट है उसका स्टाइल चेंज करना है या कंटेंट ही चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करनी है विदाउट लोडिंग द पेज, शो और हाइड करना है कोई कंटेंट, तो वो भी जावास्क्रिप्ट के द्वारा किया जा सकता है। फॉर्म वैलिडेशन, हमने देखा है कई तरह के हम फॉर्म भरते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई फील्ड बाकी रह जाता है या कोई फील्ड गलत भरा जाता है, तब वो फॉर्म या वो वेब पेज एक तरह से हमें सूचना देता है कि यह फील्ड या यह चीज़ यहाँ पे हमने भरना भूल गए हैं या फिर ये गलत है। वो मैसेज किसके द्वारा किया जाता है? वो मैसेज दिया जाता है जावास्क्रिप्ट के द्वारा। जावास्क्रिप्ट में हम फॉर्म का वैलिडेशन करते हैं। फॉर्म के वैलिडेशन से तात्पर्य है, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फील्ड हमें डालना, मोबाइल नंबर डालना है एक फील्ड के अंदर, उस मोबाइल फील्ड का वैलिडेशन क्या होना चाहिए कि वो मोबाइल नंबर सबसे फर्स्ट तो है उसके अंदर आना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर यूजर अल्फाबेट की प्रेस करता है तो वह टेक्स्ट बॉक्स उसको नहीं लेगा, फर्स्ट वैलिडेशन। सेकेंड वैलिडेशन कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, तो ये वैलिडेशन किसके द्वारा लगाए जाते हैं? ये वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा उस वेब पेज के फॉर्म में लगाते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है? जब हमने देखा है कि HTML कोड लिखने के लिए HTML के अलग अलग तरह टैग का प्रयोग किया जाता है, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम किस टैग का प्रयोग करेंगे? तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग जो है उसका प्रयोग करेंगे। स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग बंद करेंगे। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये एक HTML का कोड है, HTML, ये हेड सेक्शन और ये बॉडी सेक्शन। HTML के हेड सेक्शन के अंदर हम यहाँ जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एक HTML पेज में होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए ये स्टार्टिंग की जाती है स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट से, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये दिखाता है कि अब जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड का प्रयोग किया, अलर्ट। अलर्ट हमने बहुत बार देखा होगा, जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या कुछ भी करते हैं तब एक वेब ब्राउजर हमें एक पॉपअप करता है, आर यू श्योर, या एक सूचना देता है जिसमें सिर्फ एक बटन आता है ओके। तो इस तरह की सूचना जिसमें सिर्फ एक बटन आता है ओके, वो सूचना दी जाती है अलर्ट के द्वारा, हमें चेतावनी दी जाती है एक तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज को टैग कर देंगे, बंद कर देंगे। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब ये एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से रन होता है। ये एक पूरा नॉर्मल पेज का कोड है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने देखा कि इसको कैसे रन करेंगे नोटपैड के द्वारा, तो नोटपैड खोलते हैं हम, इसमें हम कोड लिखते हैं।
यह एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। स्क्रिप्ट स्पेस टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट अलर्ट, हमने एक यहाँ पे कोड लिखा है, आगे समझेंगे किस प्रकार से काम करता है। स्क्रिप्ट बंद कर दी, फाइल में जाते हैं, सेव इस करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं इसको index.html के नाम से। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यहाँ इस पेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड HTML कोड के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए इस पेज का नाम .html के नाम से सेव होगा। अगर हम किसी और फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तब उस फाइल का नाम या एक्सटेंशन जो है वो .js होता है, उस .js की फाइल को HTML कोड में लिंक करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, उसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहा जाता है, वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद डेस्कटॉप पर देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ये डेस्कटॉप पे जाते हैं, index.html हमने खोला, खोलते ही यहाँ पे टेक्स्ट आ गया जो हमने लिखा था। कंपैरिजन करते हैं इसका, ये देखिए यहाँ ये कोड लिखा था मैंने और इस कोड का आउटपुट यहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। इसको ओके करते हैं, हालांकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ H1 वेलकम, सेव करते हैं इसको या रिफ्रेश करते हैं, हेलो में लिखा हुआ है, ओके करने पर वेलकम लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट की डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज क्या है। कोई भी लैंग्वेज सीखने की पहली शुरुआत होती है एक छोटे से प्रोग्राम से जिसका नाम होता है हेलो वर्ल्ड। मतलब हम सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज या कोई भी चीज सीखने से पहले ये देखते हैं कि प्रिंट कैसे करवाया जाएगा। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में देखें या PHP में देखें, जब भी हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले हमें यही प्रोग्राम सिखाया जाता है। ये क्यों जरूरी है, कुछ भी चीज़ प्रिंट करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम कोई भी कोड लिखेंगे तो उसमें हमें सब जरूरी चीज़ है रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। रिजल्ट दिखाने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करने के लिए हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के कोड प्रयोग में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी में प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, पर्ल में प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट में भी अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए। उसमें सबसे आसान तरीका है document.write जो है, यह फंक्शन जो है इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वह उस वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। ये हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। इसके अलावा window.alert जो हमने अभी देखा, अलर्ट करने पर पॉपअप बॉक्स आता है। उसके अलावा तीसरा तरीका console.log होता है, और फोर्थ तरीका जो है वो है inner.innerHTML। innerHTML जो है यह बिना पेज को लोड किए हुए हम किसी भी वेब पेज में कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। अलर्ट के बाद यहां मैं लिखता हूं document.write, दिस इज जावास्क्रिप्ट। यहां आप ध्यान दीजिए, अलर्ट के बाद में मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया है, यहाँ भी सेमीकोलन लगाया है। जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट का एंड जो होता है वो एक सेमीकोलन से होता है। इसको सेव करते हैं तथा देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। इसको रिलोड किया मैंने हेलो मी, इसके बाद दिस इज जावास्क्रिप्ट। जो पॉपअप आया था वो अलर्ट के द्वारा आया था, और जो यहाँ डॉक्यूमेंट दिस इज जावास्क्रिप्ट लिखा आ रहा है ये document.write द्वारा लिखा आ रहा है। अलर्ट को मैं कमेंट में चेंज कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट में कमेंट ऐड करने के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो हम दो स्लैश का प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा यह कोड काम नहीं करेगा, कमेंट में चेंज हो जाएगा। रिलोड करते हैं और देखिए इस बार अलर्ट बॉक्स नहीं आया क्योंकि अब सिर्फ ये कोड तथा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्यों काम में आती है, किस लिए काम में आती है, और इसको यूज लेने के बाद पेज को किस तरह से डायनेमिक बनाया जा सकता है। आगे के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट में काम आने वाले पॉपअप बॉक्स के बारे में बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के पॉपअप बॉक्स होते हैं तथा उनका प्रयोग किस तरह से लिया जाता है। धन्यवाद।